सिलवासा से हरी हमारे साथ है फोन लाइन पे। हरी जी बताइए क्या सवाल है आपका। गुड मॉर्निंग सर। जी हाँ सर, एक्चुअली मैंने टाटा स्टील के शेयर लिए थे सर। 35 शेयर है मेरे पास, 1280 के, 1280 के। तो मैंने एक साल पहले लिए थे सर, मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए लिए थे, बट अब क्या करूँ, बहुत डाउन चला गया मार्केट। आपका लॉन्ग टर्म कितने समय का है? तो मेरा लॉन्ग टर्म था कि मैं 2 ईयर्स के लिए एटलीस्ट होल्ड करूंगा, तो अभी तो सर अभी ऐसा लग रहा है कि क्या करूँ, होल्ड करना चाहिए या फिर दूसरे पे जाना चाहिए मुझे। चलिए आप कम से कम 2 साल तो बोले गौरव। 2 साल के लिए लिया था और 1 साल बीत गया और 1 साल में ही इनको 50% का नुकसान है। बताओ अब क्या करें? अगले 1 साल में ये ब्रेक इवन करके ऊपर से कुछ प्रॉफिट भी देगा क्या? देखिए, 1 साल में तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है एट दिस स्टेज। बाउंस बैक मुझे यहाँ पे देखने मिल सकता है, क्योंकि आप देखिए निफ्टी मेटल इंडेक्स अगर देखिए तो वो भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। उसमें काफी अच्छा कंपोनेंट है टाटा स्टील का भी। ये भी अगर आप देखेंगे तो वीकली चार्ट पे लोअर है, लोअर लो बन रहा है, तो यहाँ पे कंफर्मेशन ट्रेंड रिवर्सल फिलहाल आया नहीं है। जो इसके लिए सिल्वर लाइनिंग है वो ये है कि वीकली चार्ट पे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट 815 820 के करीब का है। वो एक स्टॉप लॉस आप यूज कर सकते हैं, उसके नीचे अगर रेसिस्टेंस होता है तो आप एक बार एग्जिट कर लीजिए। लेकिन 1 साल में, क्योंकि अगर आप समझेंगे 1200 1250 से अगर स्टॉक जो है 800 होता है तो वहां से आप कहेंगे तो 30% गिरा होगा, लेकिन 800 का स्टॉक वापस 1200, उसको 50% बढ़ना पड़ेगा। तो 1 साल में 50% गेन मैं नहीं समझता हूँ यहाँ पे मुनासिब रहेगा इसमें ना। लेकिन 800 अगर बढ़ गया तो बाउंस जरूर देखने मिल सकता है। ये बात तो सही है, मेटल में जो है ना बड़ा उतार चढ़ाव। चलो आजकल मेटल की सब, अभी मैंने सुबह ही बहुत सारे ग्राफिक्स बताए हैं कि तगड़े नीचे। ध्यान रखिएगा भाई, इसमें पेशेंस रखिए, अगर ऊपर जाता तो फिर उसकी एक नई स्ट्रेटजी बनाएंगे, जैसे सर्वेंद्र आग बताते हैं ना कि ट्रेडिंग विद इन पोर्टफोलियो, फिर उस तरह कोई स्ट्रेटजी